हेलो गाइस, हाउ आर यू? सत श्री अकाल गाइस। मैंने अपने बच्चों से आज पूछा कि आप क्या खाओगे, तो उन्होंने मुझे बोला, बड़ी मासूमियत के साथ बोला कि अमिताभ सर भी केबीसी में 4 ऑप्शंस देते हैं, तो आप भी हमें 4 ऑप्शंस दो। तो फिर मैंने उन्हें पहले तो मैं सोच में पड़ गई, फिर मैंने उन्हें 4 ऑप्शंस दी, तब जाके उन्होंने एक सब्जी चॉइस करी और वो थी मेथी आलू। तो आज हम मेथी आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने 1 किलो मेथी ली है, उसे अच्छी तरह से कट करके धो के साफ सुथरा करके, और 2 बड़े आलू लिए हैं। गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि मेथी को धोते वक्त इसमें ज़रा सी भी मिट्टी ना रहे, अच्छे से धुल जाए। अब एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है क्योंकि मेथी जो है वो ऑयल को जज्ब कर लेती है। तो जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो उसमें कटे हुए आलू डालकर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब आलू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अभी आपको जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ऐसा कलर आ जाएगा, तो आप इनको एक पेपर नैपकिन पे निकाल के रख लीजिए। आलू गल रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हमें ये चाकू से डाल करके इसको देख सकते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले। अब देखिए, आलू परफेक्टली गोल्डन हो गए हैं। इन्हें हम निकाल करके टिश्यू पेपर पे डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोख ले। आलू निकालने के बाद वो जो ऑयल बचा था, उसी में हम जो सारे हमने सूखे मसाले डालने हैं ना, वो सारे मसाले इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम मेथी डाल देंगे कटी हुई। ये देखिए मसालों का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें, कई लोग इसमें हल्दी नहीं डालते लेकिन हम लोग डालते हैं, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप हल्दी डालें चाहे आप ना डालें। हल्दी डालने से यह कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है, तो इसलिए हम डाल देते हैं। तो ये मेथी इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसके साथ मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसको धीमी गैस करके थोड़ी देर के लिए प्लेट रख के ढक देना है, क्योंकि अभी मेथी जो है अभी अपना पानी भी छोड़ेगी। बीच बीच में हम प्लेट उठा के देखते रहेंगे जब तक मेथी का पानी सूख ना जाए अच्छे से। अभी इसमें है पानी, आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें है पानी। अभी हम फिर से इसको कवर करके रख देंगे। जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसे कवर करके रखेंगे। अब एक बार फिर से हटा के देखते हैं। ये देखिए पानी जो है वो ऑलमोस्ट सूख ही गया है। मेथी जो है ये गल गई है, वैसे ही बड़ी जल्दी गल जाती है ये। और इसमें अब हम ये जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे ये भी इसमें मिक्स कर देंगे, और अच्छे से इनको मिक्स करके प्लेट लगा के फिर से थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मेथी, आलू और ये जो मसाले हैं सारे आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं। बीच में एक बार प्लेट उठा के उसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि सब्जी नीचे लग ना जाए।
ये देखिए मेथी आलू बनकर के तैयार हो गए हैं। ये इसमें से ऑयल भी ऊज आउट हो रहा है, बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है और ये अच्छे से बन गए हैं। ये देखिए एक बार अच्छा सा मिक्स देके अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। गाइज ये कहना आपको मैं भूल गई कि जब ये रेडी हो जाए तो इसमें गरम मसाला भी ज़रूर डाल दीजिएगा, फिर अच्छे से मिक्स करके इसको बाउल में निकाल लीजिए। ये देखिए गर्मा गर्म मेथी आलू रेडी है, आप भी बनाइए और ख़ुद भी खाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है सब्ज़ी की, ये जितनी लुक अच्छी है खाने में भी उससे भी स्वाद लगेगी आपको। आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।